Asalaamu Alaikum students, how are you all? I hope you all are good and well. So, today our topic is ba. Ba is B, actually B sounds ba. Okay, ba bad, ba ball, ba, bad, etc. So, now start ba. How we draw ba? Okay, uppercase ba and lowercase ba. Now start. सो so, मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी है अब मैं आपको अपर अपर केस बार ड्रा करना सिखा रही हूँ हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ओके okay, क्लास आप सब ने भी इसी तरह ड्रॉ करना है ये हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं पर केस बा हम बिग बिग भी कह सकते हैं ओके देखें क्लास क्योंकि ये बिग बार है तो हमें इसमें ब्लॉक्स भी बनाते हैं ओके ठीक है हमने बिग बार ड्रॉ करा है अब हम लोअर केस बार ड्रॉ करेंगे ओके स्टूडेंट्स देखें क्योंकि हम थोड़ा बिग सर ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें कुछ बड़ा बड़ा ड्रॉ करना होगा ओके ताकि हम इजीली कलर्स कर सकें और हम जो बच्चे होते हैं हमारे किड्स होते हैं उनको अच्छा अच्छा नज़र आए ओके देखें ठीक है अब हमने यहाँ से कुछ इस तरह से सर्किल कर लेना है ताकि हमारा बा इजीली ड्रॉ हो जाए देख रहे हैं आप क्लास वाह अगर इनकेस हमारा से थोड़ा सा ऐसा हुआ है तो हम इसको सही भी कर सकते हैं प्रेजेंट मेट्रो के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है नाउ आवर बाईज रेडी सो स्टूडेंट हमने अपने बार राइट कर चुके हैं ड्रॉ कर चुके हैं उसके बाद हम मैं आपको कलर्स कर, करना सिखाती हूँ इसमें कि कैसे कलर्स होते हैं क्योंकि आ, हमें हमें नहीं पता होता है, बच्चे कलर्स बाहर भी निकालते तो इस तरह से हमें क्या करना है कि सबसे पहले बच्चों को आउट ड्रॉ करनी है कुछ इस तरह से ये ऐज अ टीचर एज अ मदर एज अ पेरेंट करें तो बेटर होगा ताकि हम जब कलर्स करें उनके लिए इजी हो जाए ठीक है देखिए मैं कैसे कर रही हूँ आउटलाइंस कैसे बना रही हूँ कलर हम स्टूडेंट से करवाएंगे, बट आउटलाइन हम पहले उनको बनाना सिखाएंगे फिर जब उनको भी आउटलाइंस बनाना आ जाएंगी तो स्टूडेंट खुद आउटलाइंस बनाएंगे ताकि वो कलर्स अपने बाहर ही ना निकाल सकें ठीक है so, सो हमने हमारे जो अपर केस बा है बा उसमें हमने किया डार्क ब्लू कलर के आप एनी कलर कोई भी कलर यूज कर सकते हैं अच्छी तरह से हमें हर कलर यूज करना है देखिए आप देखें मैंने आउटलाइंस बनाई तो मेरा कलर बाहर नहीं निकल रहे ठीक है इसी तरह बच्चों के भी नहीं निकलेंगे सो so, स्टूडेंट्स हमने लोअर केस बी में आउटलाइन कर ली थी अब हम कलर्स करते हैं ओके कलर्स बिल्कुल हमें स्मूथली करना है ताकि हमारे कलर्स बाहर ना निकलें हमारे बी का जो साउंड है वो है बा हम आज पढ़ रहे हैं बाट बा बलून बा बा ब बटरफ्लाई बबी ओके okay, स्टूडेंट्स हमारा कलर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है देखिए हम किस तरह कलर करें देखें बाहर भी नहीं निकल रहा है हमारा कलर ठीक है चले देखिए स्टूडेंट्स हम ऑलमोस्ट हमारा तो हमने ऑलमोस्ट बा कलर कंप्लीट कर चुके हैं स्मॉल अपर ग्रेड बा में वैसे हम इसको स्मॉल बा भी बोल सकते हैं ठीक है ना तो आपने टेंशन नहीं लेनी है कि मैं अपर क्यों बोल रही हूँ या लोअर स्मॉल कैपिटल भी हो सकता है और अपर केस लोअर केस बा भी हो सकते हैं हमारा कलर कंप्लीट हो चुका है और देखें हमारा कलर कहीं से बाहर नहीं निकला हम हमने आउटलेट्स बनाई थी जिसकी वजह से हमारा कलर कहीं से बाहर नहीं निकला ठीक है हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी कुछ प्यारी सी एक्टिविटी ये है कि हम बी को राइट कैसे करेंगे या बा को राइट कैसे करेंगे कैसे लिखेंगे अपर के इस बा और लोअर के इस बा किस तरह से लिखेंगे तो चलें आए हम देखते हैं ओके हमने हमने हमारी वर्कशीट उठा ली है और हम इसको राइट करते हैं आप सब ने है ना और अच्छी तरह सीखना ताकि हम हम अपने स्टूडेंट्स बच्चों को भी अच्छी तरह सिखा सकें ठीक है सबसे पहले तो हमने ट्रेस कर लेना है अपर केस बा को अपर केस बा है जो हमारा वन टू थर्ड लाइन तक होगा फोर्थ लाइन से टच नहीं होगा वन से स्टार्ट होकर टच पे थर्ड पे एन हो जाएगा ठीक है वन टू और थ्री तीनों लाइन से टच हो गया जो इसके सर्किल हैं वो वन तक थर्ड लाइन तक मिल जाएंगे पहले ऐसे करेंगे फिर वन टू कंप्लीट हमारा हो गया बा देखें हमारा जो अपर केस बा है वो कुछ इस तरह से बनेगा ओके लाइन ड्रॉ करें वन टू थ्री लाइन ड्रॉ वन टू ये हमने ट्रेस कर लिया अब हम राइट करेंगे कि जब हम ट्रेस करना सिखाएंगे तो बच्चों को राइट जैसे स्टार्ट में बच्चे नहीं बना सकते तो उन बच्चों के लिए हमने क्या करा है कि थ्री डॉट्स डाले हैं हर डॉट को एक एक से मिला के हमें मैच करना है वन टू वन टू थ्री ये हमारा हो गया बा अपर बा लाइन ड्रॉ वन टू three लाइन ड्रॉ one two three ओके okay. आप देख सकते हैं कि हमने कितने स्मूथली अपर केस बा बनाया है और हमने कितना लाइटली बा बनाया है और हम कितना इजीली इसको बना सकते हैं इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है क्योंकि हमने सिर्फ थ्री डॉट्स डालने हैं ताकि हम अपना बा बना सकें अब हम आते हैं लोअर केस बा पे वो कैसे हम राइट कर सकते हैं सबसे पहले तो हम ट्रेस करते रहेंगे क्योंकि ट्रेस का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे जैसे हम ऊपर के जो बाँ में अपर केस बाँ में डबल डबल सर्किल कर रहे थे यहाँ हमें सिंगल सर्किल करना है सिर्फ नीचे ओके क्योंकि ये हम क्या करें अपर केस ही अपर केस में डबल और लोअर केस में वन सर्किल करना है बा, बा बैट ब बॉल ब बटरफ्लाई देखें अब हम राइड करें वन टू थ्री ओके स्टूडेंट वन टू थ्री ये भी वन थर्ड लाइन में बनेगा उससे ज़्यादा लाइन्स नहीं टच करेगा ये वन टू थ्री ओके okay, हमारी एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है और हमें बाल लिखना भी आ चुका है ठीक है उसके बाद ये है कि मैंने कुछ एक्टिविटीज़ यहाँ रखी हैं जो हम मैं आपको दिखाती हूँ जो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ फिर हम बाद में इसमें कलर करेंगे बिगनिंग साउंडस हम बता रहे हैं कि बाघ से स्टार्ट होने वाली कौन सी पिक्चर्स हैं जो स्टार्ट होती हैं बॉल आई प्ले विथ माई बॉल ब आल देखिए यहाँ पे बाल का साउंड कितना वाजे हो रहा है बा आल बॉल जल्दी पढ़ेंगे तो बॉल ब ओके आई प्ले विथ माई बॉल हमने एक्टिविटी ये रखी है इसमें कि हमने कुछ बॉल ड्रॉ कर दिए हमने मैक सेंटेंस भी लिख दिया और हम अपने बच्चों से इसमें मल्टी कलर्स करवाएंगे ठीक है ताकि वो इसको अच्छी तरह से समझ सकें और कलर भी करना सीख सकें ठीक है हमारा सेकंड जो पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगी वो है बटरफ्लाई 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 विंग्स आर कलरफुल ये कह रहे हैं कि जो बटरफ्लाई है उसकी जो पर होते हैं विंग्स होते हैं वो कलरफुल होते हैं तो हमें अपनी बटरफ्लाई को क्या करना है जल्दी से कलरफुल करना है ठीक है हम बच्चों को यही बताएंगे इसके बाद है हमारे पास ब बलून बलून माय फादर गॉट मी अ बलून ब बलून मेरे बाबा मेरे फादर मेरे लिए ले क्या लेकर आए थे बलून ठीक है तो हमें बलून में क्यूट सा कलर करना है उसके बाद है हमारे पास बी बी बीज टू मेक हनी बी हमें क्या देती है हमारे लिए हनी बनाती है ठीक है जो हमें बहुत टेस्टी लगता है यम बी हनी बी गिव्स हनी ओके okay, तो बी में भी हम कलर कर दें और फिर आपको जल्दी से दिखाते हैं देखिए स्टूडेंट्स मैंने अपने कुछ प्यारे स्टूडेंट्स से ये कलर्स करवाएं और उन्होंने कितने अच्छे कलर्स करने ज़रा से भी बाहर नहीं निकाले तो आप लोग भी इसी तरह कलर कीजिएगा ताकि आपको बा का पूरा कंप्लीट सेट बनाना आ जाए बा कैसे ड्रॉ होता है बा कैसे राइट होता है बा की थिंग्स में कलर कैसे करते हैं ठीक है अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें इंशाल्लाह मिलते हैं अल्लाह हाफिज़